शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, अगर आप मेरे द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एपिसोड बाय एपिसोड रिकैप को देख चुके हो तो फिलहाल इस वीडियो को स्किप कर देना। अगर इस चैनल पर नए हो या शो के मेमोरीज को फिर से ताजा करना चाहते हो तो कंटिन्यू। वांडा डिविजन की मिस्टीरियस स्लो बर्न स्टोरी देखने के बाद द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर की कहानी आपको काफी फास्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगी। भाई शो की प्रोडक्शन क्वालिटी एकदम कमाल की है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं लगता कि आप ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं बल्कि टीवी शो देख रहे हो। एपिसोड की शुरुआत में सैम विल्सन स्टीव रॉजर्स की दी गई शील्ड को पैक करके कहीं ले जा रहा था। इसी वक्त बैकग्राउंड में हमने सैम और स्टीव के बीच चले एंड गेम वाले कन्वर्सेशन को सुना, इंडिकेटिंग कि सैम अब भी अपने आप को कैप्टन अमेरिका बनने के काबिल नहीं समझता। ये कहानी एवेंजर्स एंड गेम के 6 महीने बाद की। सैम एके द फाल्कन ने US एयर फोर्स ज्वाइन कर ली और फिलहाल वो कैप्टन वसान को बचाने के मिशन पर तुनिशिया गया है। कैप्टन वसान को LAF नामी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया था। सैम और एयरफोर्स से बैटरो के कैसे छुड़वाने यहाँ पर आए थे। इस बंदे को हम कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में भी देख चुके थे। सैम द फाल्कन का गियर पहनकर हवाई हमला करेगा तो वहीं उसका नया दोस्त लेफ्टिनेंट वॉकिन टोरेस इस मिशन पर जमीन से नजर रखेगा। US एयरफोर्स की पकड़ में आने से पहले बैटरोग और उसके साथी वसान के साथ लीबिया बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं। एक बार बॉर्डर क्रॉस हो गई तो एयरफोर्स इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर एक बैडएस एयर चेसिंग सीक्वेंस के बाद फाल्कन रेडविंग की मदद से वसान को छुड़ा लेता है। हमले में बैटरोग के मैक्सिमम साथी मारे गए बट वो बच गया। लड़ाई के बाद फाल्कन बैठा अपने सूट को रिपेयर कर रहा था कि तभी टोरेस उसे LAF या द फ्लैग स्मैशर्स ग्रुप के बारे में बताता है। कॉमिक में फ्लैग स्मैशर एक ही कैरेक्टर का नाम था बट शो में इसे चेंज करके ग्रुप बना दिया गया। फ्लैग स्मैशर्स मतलब एक ऐसा ग्रुप जो डिफरेंट फ्लैग्स को नहीं मानता और दुनिया के सारे बॉर्डर्स को हटाकर एक सिंगल नेशन बनाना चाहता है। अपेरेंटली ब्लिप के बाद दुनिया ऐसी ही थी बट एंडगेम के बाद दुनिया फिर से पहले जैसी हो गई। बेसिकली ये लोग द ब्लिप वाले टाइम को वापस लाना चाहते हैं तो टेक्निकली इनके इरादे तो नेक हैं बट एग्जीक्यूशन का तरीका एकदम गलत। सैम वॉशिंगटन DC जाकर स्टीव रॉजर्स के शील्ड को स्मिथसोनियन म्यूजियम के हवाले करता है। इसके हिसाब से स्टीव की जगह कोई नहीं ले सकता। सरप्राइजिंगली इस इवेंट में जेम्स रूड्स भी आए हुए थे। शील्ड लौटाने के बाद सैम और रोडी ब्लिप के बाद वाली दुनिया को डिस्कस करते हैं कि कैसे उस हादसे ने सारी दुनिया को बदल कर रख दिया। कौन दोस्त है कौन दुश्मन कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई भी कंट्री अब स्टेबल नहीं है। एवेंजर्स के साथ मिलकर दुनिया को बचाने के बाद बकी बांस अब एक आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट जानती है कि बकी जैसे सोल्जर पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने इसे माफ करने के बावजूद भी इसके पीछे एक थेरेपिस्ट को लगवा दिया। बकी की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं, वो सारा वक्त अकेले में बिताता है और उसे आज भी अपने विंटर सोल्जर वाले दिनों के डरावने सपने आते हैं। ऐसे एक पुराने मिशन के दौरान विंटर सोल्जर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की खातिर एक मासूम बंदे की जान ले ली थी। इस बंदे का चेहरा याद रखना क्योंकि आगे काम आएगा। बकी की थेरेपिस्ट डॉक्टर रेनर उसे समझाती है कि इसे अकेलापन छोड़कर थोड़ा लोगों में घुल मिलना चाहिए। बकी अपने खाली टाइम में अनफिनिश मिशन पूरे कर रहा था, हाइड्रा वाले नहीं पर्सनल वाले। हाल ही में उसने एक हाइड्रा मेंबर को भी पुलिस के हवाले कर दिया जिसे अपने विंटर सोल्जर वाले दिनों में बकी ने खुद कांग्रेस तक पहुंचा दिया था। तो बस इसकी लाइफ अब इतनी ही है, पर्सनल मैटर क्लोज करो और सारा टाइम अकेले में बिताओ। फिर हम देखते हैं कि बकी ने इस बूढ़े आदमी को अपना दोस्त बना लिया, मिस्टर यूरी नाकाजीमा। दिन के वक्त इन्हीं के साथ लंच वगैरह करता है। इवन नाकाजीमा से तक बकी का अकेलापन देखा नहीं गया, इसीलिए वह खुद बकी का विंगमैन बनकर यहाँ की वेटर्स के साथ उसकी डेट फिक्स करवाता है। बट बकी ने इस बूढ़े आदमी को अपना दोस्त क्यों बनाया? मिस्टर नाकाजीमा ने एक एक्सीडेंट में अपने बेटे को खो दिया था। पुलिस ने इन्हें उसकी मौत की सच्चाई कभी नहीं बताई। मिस्टर नाकाजीमा को तो बस अपने बेटे की मौत का सच जानना है। जी हाँ, बकी के सपनों वाला वो मासूम चेहरा ही नाकाजीमा का बेटा है। जैसे ही डेट के दौरान वो वेटर्स नाकाजीमा के बेटे का टॉपिक निकालती है, बकी गिल्ट के मारे वहां से सीधा नाकाजीमा के घर चला गया कि आज तो मैं इसे सारी सच्चाई बता के ही रहूंगा। बट काफी कोशिश करने के बावजूद भी बकी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। उधर सैम अपनी बहन सेरा से मिलने लुइजियाना चला गया। जब सैम ब्लिप में गायब हो गया था तब इसी ने सिंगल हैंडेडली इनके फैमिली फिशिंग बिजनेस को संभाला था। अनफॉर्चुनेटली इनका बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा, इसीलिए ना चाहते हुए भी सेरा को इनकी फैमिली बोट बेचनी पड़ेगी। बट सैम इस फैसले के सख्त खिलाफ है। उसके हिसाब से ये बोट इनके पेरेंट्स की लीगेसी है जिसे चंद पैसों के लिए बेचना गलत होगा। सैम अपनी बहन को समझाता है कि उन्हें बिजनेस को चलाने बैंक लोन की जरूरत है, एक बार इन्हें लोन मिल जाए फिर ये बोट की मरम्मत करके बिजनेस में प्रॉफिट कमाएंगे। सैम अपनी बहन को बहला फुसला कर बैंक लेकर चला गया और यहां क्लियर होता है हम ऑडियंस का बरसों पुराना डाउट, एवेंजर्स को पैसे कौन देता है? क्या स्टार्क जब जिंदा था तब उनकी स्टाइपिन पे कर रहा था या फिर इन्हें गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है? वेल, बाकी सबका तो कुछ पता नहीं बट सैम को एवेंजर बनने के बाद फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। दुनिया को बचाने के बाद इन्हें गुडविल के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर पैसा चाहिए तो ऑफिशियली मिलिट्री ज्वाइन कर लो, शायद इसलिए सैम ने US एयरफोर्स वापस ज्वाइन कर ली। एनीवेज, आम आदमी हो या द एवेंजर, बैंक रूल सबके लिए बराबर हैं।
ब्लिप के बाद अचानक से करोड़ों लोगों के वापस आते ही उल्टा ये रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट बन गया। सैम पिछले 5 साल से गायब था, इसीलिए उन 5 सालों में इसका कोई भी इनकम रिकॉर्ड नहीं है, मतलब इन्हें बैंक लोन नहीं मिल सकता। बट बदले में बैंक वालों को एवेंजर के साथ सेल्फी जरूर मिल गई। बैंक से डिसअपॉइंट होकर सैम विल्सन खुद बोट की मरम्मत करने का डिसीजन लेता है कि तभी इसे टोरेस का कॉल आ गया। टोरेस सीक्रेटली स्विट्जरलैंड में कुछ फ्लैग स्मैशर्स को फॉलो कर रहा था। फ्लैग स्मैशर इस तरह के अजीब मास्क के जरिए अपनी आइडेंटिटी छुपाकर पुलिस को चकमा देते हैं। टोरेस फौरन समझ गया कि यहां पर किसी टाइप की चोरी हो रही है और मेन फ्लैग स्मैशर के पास सुपर सोल्जर की तरह स्ट्रेंथ है। टोरेस ने ऐसे बंदूक दिखाकर रोकने की कोशिश की, बट वो उसके चेहरे पर अपने जूते का निशान छोड़कर वहां से चला गया। टोरेस ने यह सारा इंसिडेंट अपने बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। सैम इस सारे हादसे को बैठकर 0.25 स्पीड में देख रहा था कि तभी उसकी बहन उसे न्यूज देखने को बुलाती है। यूएस गवर्नमेंट ने सैम को चूना लगाकर उससे स्टीव की शील्ड तो ले ली, बट शील्ड को म्यूजियम में रखने के बजाय गवर्नमेंट ने नया कैप्टन अमेरिका ही लॉन्च कर दिया। सैम चारों थाने चित होकर डिसअपॉइंटमेंट में न्यूज को देख रहा था और यहां होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है सस्ते कैप्टन अमेरिका AKA कैप्टन जॉन वॉकर से, जो अपने हाई स्कूल के दिनों में फुटबॉल टीम के कैप्टन हुआ करते थे। जॉन यहां अपने कॉलेज के फुटबॉल स्टेडियम में पब्लिक इंटरव्यू देने आया था, बट इंटरव्यू से पहले भाई साहब थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं। तभी जॉन का दोस्त लेमार हॉस्किंस वहां पर आकर इसकी हिम्मत बढ़ाता है। इंटरव्यू के दौरान हमें पता चला कि जॉन कोई ऐसा वैसा सोल्जर नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की नजरों में वाकई में कैप्टन अमेरिका बनने के लायक है। गवर्नमेंट की नजरों में, हम ऑडियंस की नजर में नहीं, समझा गया, बस गवर्नमेंट की नजरों में। सारे टेस्ट को पास करके कैप्टन अमेरिका बनने के बाद भी जॉन अच्छे से जानता है कि इसके लिए स्टीव रोजर्स की जगह लेना बड़ा मुश्किल काम होगा। इस इंटरव्यू को बकी बांस भी देख रहा था। स्टीव के शील्ड को किसी और सोल्जर के हाथ में देखकर बकी गुस्से में सैम विल्सन से मिलने चला गया। स्टीव ने सैम पर भरोसा करके वो शील्ड उसके हवाले की थी। बकी का मानना है कि सैम ने वो शील्ड गवर्नमेंट को लौटाकर स्टीव का भरोसा तोड़ दिया। फिर इन दोनों के बीच एंड्रॉइड एलियंस और विजार्ड्स को लेकर बहस शुरू हो गई कि तभी सैम बकी को फ्लैग स्मैशर्स के बारे में बताता है। सैम के पास शील्ड को लेकर बहस करने का ज्यादा टाइम नहीं, पहले इन फ्लैग स्मैशर्स को निपटा लें, बाद में शील्ड भी ले लेंगे। रेड विंग ने फ्लैग स्मैशर के ग्रुप को म्यूनिक में ट्रैक किया था। इस मिशन पर सैम के साथ जबरदस्ती बकी भी चला गया। फ्लैग स्मैशर्स एक सीक्रेट वेयरहाउस में चुराए हुए वैक्सीन की लोडिंग कर रहे थे। बकी के लाख समझाने के बाद भी सैम को यह मिशन स्टील्ड मोड पर कंप्लीट करना है कि तभी रेड विंग के स्कैन से इन्हें पता चला कि शायद ट्रक के अंदर एक हॉस्टेज है। फिर व्हाइट वुल्फ और ब्लैक फाल्कन, cuz I'm black and I'm the falcon, well, technically, I mean, yes, so are you like brown youtuber? I got him, right? फिर व्हाइट वुल्फ और ब्लैक फाल्कन फुल एक्शन मोड में फ्लैग स्मैशर के ट्रांसपोर्ट ट्रक पर हमला करते हैं। कोई हॉस्टेज वगैरह नहीं था, सब इनके ही लोग थे। जल्दी बकी और सैम समझ गए कि उनका सामना सुपर सोल्जर से हुआ है। फ्लैग स्मैशर्स ने रेड विंग को तोड़ दिया और इन दोनों पर भारी पड़ने लगे। तभी रेड विंग को ट्रैक करते हुए वॉकर और हॉस्किंस भी यहां पर पहुंच गए, बट फ्लैग स्मैशर से इनका कोई मुकाबला नहीं। फिर इन चारों को हराकर फ्लैग स्मैशर्स वहां से भागने में कामयाब हो गए। बकी और सैम पास के खेत में पड़े थे, तो वॉकर और हॉस्किंस सड़क पर। एयरपोर्ट को जाते वक्त सारे बैठकर सुपर सोल्जर सीरम के बारे में बात कर रहे थे कि तभी हॉस्किंस बकी को उसका सुपर हीरो नाम बताता है, बैटल स्टार। इतना घटिया सुपर हीरो नेम सुनने के बाद बकी और सैम गाड़ी से उतरकर पैदल एयरपोर्ट जाने का प्लान बनाते हैं। कॉमिक्स में कैप्टन जॉन वॉकर और बैटल स्टार फेक हमले रोककर पब्लिक की नजर में हीरो बना करते थे, तो चांसेस है कि ये दोनों सीक्रेटली फ्लैग स्मैशर के साथ भी मिले हों या फिर उनको इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होंगे। ब्लिप के दौरान इधर उधर हुए लोगों को हैंडल करने ग्लोबल रिपेट्रिएशन काउंसिल की बुनियाद डाली गई। इंटरनेशनल काउंसिल सारे ब्लिप रिफ्यूजीज का ख्याल रखती है। वॉकर और बैटल स्टार भी इनडायरेक्टली GRC के लिए काम करते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्लैग स्मैशर्स ने ऑनलाइन कम्युनिटीज के जरिए ढेर सारे सपोर्टर्स बना लिए। इनके सपोर्टर्स इन्हें रॉबिनहुड की तरह देखते हैं। वैक्सीन हासिल करने के बाद फ्लैग स्मैशर्स का ग्रुप ऐसे ही एक लोकल सपोर्टर के घर में पना लेता है कि तभी इनके लीडर को एक धमकी भरा मैसेज आ गया। इतना ही नहीं, इन सब की आइडेंटिटीज भी लीक हो गए और ये सारे अब मोस्ट वॉन्टेड इंटरनेशनल क्रिमिनल्स बन गए। मतलब इन्हें फटाफट सारे रिकॉर्ड्स मिटाकर यहां से निकलना होगा। वापिस लौटने पर बकी सैम को उसके पुराने दोस्त या दुश्मन से मिलवाने लेकर चला गया, आइज़ेया ब्रैडली। यहाँ पर एक बात कंफर्म हो गई कि इस शो में US और दुनिया भर में चले रेशियल इश्यूज भी देखने मिलेंगे। 1951 के कोरियन वॉर के दौरान आइज़ेया और विंटर सोल्जर आपस में लड़े थे। आइज़ेया US मिलिट्री द्वारा बनाया गया पहला ब्लैक सुपर सोल्जर था, इतना खतरनाक जिससे हाइड्रा भी डरते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इसके स्किन कलर की वजह से गवर्नमेंट ने यह बात सारी दुनिया से छुपाए रखी। बकी यहाँ पर आइज़ेया को हाल ही में मिले सुपर सोल्जर्स के बारे में बताने आया था।
बट ये चीज बड़े बुरी तरीके से बैकफायर हो गई। आइज़ेया बकी को हाइड्रा के नाम पर बहुत खरी खोटी सुनाता है। बकी बांस के गोरा चिट्टा होने की वजह से इसके सारे गुना माफ हो गए। वहीं आइज़ेया ने अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में बिताए। सिर्फ जेल में बंद नहीं, गवर्नमेंट कंटिन्यूसली इसे टॉर्चर करके उसकी बॉडी पर रिसर्च कर रहे थे 30 साल तक। इससे पहले कि सैम और बकी इसे समझा पाए, आइज़ेया ने उन्हें अपने घर से भगा दिया। सैम ये सोचकर गुस्सा है कि बकी ने इतनी बड़ी बात स्टीव और सारी दुनिया से क्यों छुपाए रखी। हाँ, क्योंकि बकी आइज़ेया को प्राइवेसी देना चाहता था। वैसे भी अब दुनिया को बताकर फेक सिंपैथी लेने का क्या फायदा। बाहर निकलते इनके साथ एक और क्लासिक अमेरिका वाला इंसिडेंट हो गया। सैम के स्किन कलर को देखकर पुलिस बिना वजह उसे रोककर उसका आईडी मांगने लगते हैं। आई नो ये चीज यहाँ के कुछ लोगों को थोड़ा क्लीशे लग रही होगी, बट वहां पर ये चीज बहुत कॉमन है। एटलीस्ट मार्वल के पास रियल इश्यू दिखाकर स्टैंड लेने का गट्स तो है। एनीवेज, फिर दूसरा इंस्पेक्टर अपने साथी को याद दिलाता है कि अरे भाई ये बंदा फाल्कन है, वन ऑफ द एवेंजर। तो ऑफिसर सैम से माफी मांगकर बकी को अरेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि बकी ने अपनी मैंडेटरी थेरेपी मिस कर दी। कहा था ना, गवर्नमेंट इस पर कड़ी नजर रखे हुए है। फिर कैप्टन जॉन वॉकर ने बकी की बेल करवा दी और इसके थेरेपिस्ट को बता दिया कि आज से बकी अपने स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो नहीं करने वाला। करंट मिशन सॉल्व होने तक बकी एक आजाद पंछी की तरह रह सकता है। जाने से पहले डॉक्टर रेनर ने जबरदस्ती बकी और सैम को साथ बिठाकर उनकी कपल थेरेपी करवा दी। एज एक्सपेक्टेड, इस थेरेपी का कोई आउटपुट नहीं निकला और फिर दोनों बड़े बच्चे बाहर चले गए। यहां पर कैप्टन वॉकर ने बताया है कि फ्लैग स्मैशर के लीडर की असली आइडेंटिटी कार्ली मैग्नटाउ है, बट इन दोनों को वॉकर और बैटलस्टार के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर संस्था कैप्टन इन्हें धमकी देता है कि अगर मेरे साथ काम नहीं करना तो मेरे रास्ते में भी मत आना। उधर फ्लैग स्मैशर्स जल्दी जल्दी में वैक्सीन प्लेन में लोड कर भागने की तैयारी में थे कि तभी इन्हें मैसेज आया कि इनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई। अथॉरिटीज को इनका पता चल गया। हो सकता है कि ये लोग पावर ब्रोकर इनकॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहे हों। एंड में इनका टीजर भी देखने मिला। फिर फ्लैग स्मैशर्स का एक मेंबर अपने जान की कुर्बानी देकर बाकियों की वहां से भागने में मदद करता है। आइज़ेया से अपने पास को लेकर गाली पड़ने के बाद बकी हाइड्रा से इन्फॉर्मेशन निकलवाने का प्लान बनाता है। मतलब सैम और बकी अब जाकर ज़ीमो से पूछताछ करेंगे। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है GRC के कमर्शियल से कि कैसे ये लोग ब्लिप के बाद लोगों को जॉब और अच्छी जिंदगी देने में उनकी मदद करते हैं। वॉकर और लेमार म्यूनिक जाकर फ्लैग स्मैशर्स के सपोर्टर से कार्ली के बारे में पूछताछ करते हैं। ये वही है जिसने पिछले एपिसोड में फ्लैग स्मैशर्स की मदद की थी। बट वॉकर के डरा धमकाने के बाद भी ये उन्हें कार्ली के बारे में कुछ नहीं बताता। अरे हाँ, हमें भी कैप्टन पसंद नहीं, बट आप तो सीधा मुंह पे थूक दिए। तो भाई इन दोनों के हाथ तो कुछ नहीं लगा। बट उधर बकी ज़ीमो के साथ मिलकर उसके साथ प्रिजन ब्रेक खेलता है। बकी के हिसाब से अगर इन्हें इस नए सुपर सीरम की पहली सुलझानी है तो ज़ीमो की मदद लगेगी। जेल में बैठा ज़ीमो इनके ज्यादा काम नहीं आएगा। अगर फटाफट सोल्यूशन चाहिए तो ज़ीमो के कॉन्टैक्ट्स और सेटिंग्स इनके काम आएंगे। ऑब्वियसली सैम को बकी का यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट बकी ने ऑलरेडी जेल में बवाल मचा के ज़ीमो को भगाने का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया। आई नो कि प्रिजन ब्रेक वाला सीन थोड़ा अनरियलिस्टिक था, बट फिर भी देखने में काफी मजा आया। ज़ीमो बकी की मदद से जेल से छूटकर भाग गया और इस सीक्रेट वेयरहाउस में सैम और बकी से मिलने चला आया। थोड़ी अनबन के बाद सैम भी ज़ीमो को इनकी टीम में ऐड करने के लिए मान गया। दूसरा ऑप्शन ही क्या था इसके पास। तभी इन दोनों को पता चला कि साला ये ज़ीमो तो करोड़पति निकला। फिर ये लोग स्टोरेज रूम से काम का सामान उठाकर ज़ीमो की बताई अगली लीड को फॉलो करने निकल पड़े। जाते जाते ज़ीमो ने यहाँ से अपना आइकॉनिक कॉमिक बुक एक्यूरेट पर्पल मास्क भी उठा लिया, पुराने दिनों की याद में। फिर ये दोनों ज़ीमो के प्राइवेट जेट में बैठकर सेल्बी नामी गैंगस्टर से मिलने माधुरीपुर चले गए। मार्वल यूनिवर्स में माधुरीपुर एक फिक्शनल साउथ एशियन आइलैंड का नाम है। रास्ते में ज़ीमो ने बकी की डायरी में लिखे नाकाजीमा के नाम को देखा। बकी को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई कि ज़ीमो ने उससे बिना पूछे इसकी पर्सनल डायरी पढ़ ली। और इधर सैम ने यह भी कंफर्म कर दिया कि ये वही नोटबुक है जो स्टीव रॉजर्स यूज करता था। तो माधुरीपुर में एंट्री करते वक्त बकी ने अपना विंटर सोल्जर वाला लुक ले लिया ताकि यहां सबको ऐसा लगे कि बकी अब भी ज़ीमो के कंट्रोल में है। सैम इधर इसी के जैसे दिखने वाले एक गैंगस्टर द स्माइलिंग टाइगर का भेष लेकर आया था। सैम को ये क्रिंजी अफ्रीकन अमेरिकन बैड बॉय बिलियनर आउटफिट जरा भी पसंद नहीं, बट अगेन इसके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या है। अंदर घुसते ही एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जगह क्रिमिनल्स के लिए किसी हेवन से कम नहीं, और पावर ब्रोकर यहाँ का बिग बॉस है, माधुरीपुर का जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर। फिर ज़ीमो सेल्बी का अटेंशन लेने उसके बार में विंटर सोल्जर से थोड़ी तोड़फोड़ करवाता है। ज़ीमो का प्लान काम कर गया और सेल्बी इनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। यहाँ ज़ीमो ने सेल्बी को ऑफर दिया कि अगर वो इन्हें सुपर सोल्जर सीरम के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी तो बदले में ज़ीमो उसे विंटर सोल्जर और उसे कंट्रोल करने के कमांड्स दे देगा। लकीली ये लोग बिल्कुल सही जगह पर आए। सेल्बी ने बता दिया है कि सुपर सोल्जर सीरम यहीं माधुरीपुर में है, जिसे डॉक्टर विल्फ्रेड नेगल नामी साइंटिस्ट ने बनाया है। नेगल ने वो सीरम पावर ब्रेकर के कहने पर बनाया था।
पर इससे पहले कि लोग सेल्बी से नेगल का पता निकाल पाए, सैम को उसकी बहन का कॉल आ गया और द स्माइलिंग टाइगर का कवर ब्लो हो गया। ये देखकर सेल्बी इन्हें मारने का ऑर्डर देती है, बट तभी किसी स्नाइपर ने सेल्बी को ही मार दिया। मतलब सेल्बी की मौत का इल्जाम अब इन तीनों के सर पर आ गया। जल्दी सारे मधुरपुर के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को इन तीनों की बाउंटी भी मिल गई। सत्यानाश। सैम, बकी और जीमो किलर से बचते बचाते भाग रहे थे, बट कोई है जो सीक्रेटली इनकी मदद कर रहा है। तभी वहां पर शैरन कार्टर भी आ गई। लगता है वो छुपी हुई स्नाइपर शैरन ही थी। सिविल वॉर वाले इंसिडेंट के बाद से ही शैरन की लाइफ पूरी तबाह हो गई। सैम और बकी को तो गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, बट शैरन आज तक भागे हुए क्रिमिनल्स की लाइफ जी रही है, ऑल थैंक्स टू जीमो। इससे पहले कि शैरन जीमो को मार दे, सैम और बकी से समझाते हैं कि उन्हें सुपर सोल्जर सीरम के सोर्स का पता लगाने जीमो की हेल्प लगेगी। शैरन भी फटाक से मान गई। ये सुपर सोल्जर सीरम का मैटर सॉल्व होने के बाद जीमो से अपना बदला लेगी। फिर शैरन सबको अपने सीक्रेट हाइडिंग प्लेस पर लेकर चली गई। वाह, क्या हाइडिंग प्लेस है! करोड़ों के चुराए हुए आर्टवर्क्स की इलीगल गैलरी। तो अब शैरन अपनी लोकल सेटिंग से नेगल की लोकेशन ढूंढ लेगी और बदले में सैम उसके सारे रिकॉर्ड्स क्लियर करके उसे आजादी से वापस यूएस आने का मौका देगा। जब गवर्नमेंट मेटल आर्म वाले साइको किलर को माफ कर सकती है तो शैरन क्या चीज है? I heard that. डील पक्की। नेगल यहाँ एक शिपिंग यार्ड के कंटेनर में सीक्रेटली अपनी सुपर सीरम लैब चला रहा है। सैम, बकी और जीमो नेगल के कंटेनर को ढूंढ कर उससे मिलने अंदर चले गए। शैरन बाहर खड़े होकर आसपास की सिचुएशन पर नजर रखेगी। थोड़ा डरा धमकाने के बाद नेगल ने इन्हें सब कुछ बता दिया। नेगल पहले हाइड्रा के लिए काम करता था, फिर उनके गिरने के बाद नेगल को CIA ने रिक्रूट किया, जहां नेगल ने आइजेया के ब्लड सैंपल की मदद से नया और सटल सुपर सोल्जर फार्मूला बनाया। सटल क्योंकि इसे लेने पर आपकी बॉडी नहीं फूलती, इसीलिए दुबले पतले दिखने के बावजूद भी फ्लैग स्मैशर्स उतने ही ज्यादा पावरफुल हैं। पर इससे पहले कि ये अपना काम पूरा कर सके, थानोस के स्नैप ने इसे धूल बना दिया। 5 साल बाद जब ये वापस आया, तब तक CIA ने सुपर सोल्जर प्रोग्राम बंद कर दिया था, इसीलिए इसने पावर ब्रोकर के साथ मिलकर अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई। सुपर सोल्जर फार्मूला की मदद से नेगल ने पावर ब्रोकर के लिए 20 सीरम शॉट्स बनवाए थे, जिसे बाद में कार्ली ने चुरा लिया। तो कार्ली को वो धमकी भरे मैसेजेस पावर ब्रोकर से आ रहे थे। कार्ली फिलहाल अपनी टीम के साथ GRC के रीसेटलमेंट कैंप के पास थी। यहाँ जो लेटी है डोनिया मजानी, इसे ट्यूबरकुलोसिस का प्रॉब्लम है, एक तरीके का लंग इन्फेक्शन जो इस तरह के रिफ्यूजी कैंप में बड़ी कॉमन बीमारी है। काली ने कुछ दिनों पहले नेगल को कांटेक्ट किया था ये पूछने के क्या वो इस बीमारी से लड़ने में मजाने की कोई मदद कर सकता है। बाहर कुछ बाउंटी हंटर्स इन तीनों का पीछा करते हुए आ गए। फिर शैरन कार्टर फुल ऑन ब्लॉन्ड विडो मोड में जाकर सबकी पिटाई करती है। भाई, अब मुझे शैरन कार्टर स्पेशल शो देखना है। नेगल से सारी इन्फॉर्मेशन मिलते ही जीमो ने उसे सीधा गोली मार दी, मतलब डायरेक्ट पावर ब्रोकर से पंगा। तभी किसी ने रॉकेट लॉन्चर से इस कंटेनर को उड़ा दिया। धमाके से बचकर बाहर आते ही सबके बीच एक लंबा शूट आउट शुरू हो गया। जीमो अगर चाहता तो वो यहाँ से बड़ी आसानी से भाग सकता था, बट उल्टा उसने अपना मास्क पहनकर सैम और बकी की यहाँ से भागने में मदद की। हाँ, पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में। जीमो की सुपर पावर उसका तेज दिमाग ही तो है। फिर शैरन और ट्रिनिटी अपने अलग अलग रास्ते निकल गए, ये तीनों कार्ली को ढूंढने और शैरन कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। उधर फ्लैग स्मैशर्स GRC के सप्लाई डिपो पर हमला करके उनका सारा राशन चुरा लेते हैं। इतना ही नहीं, वापस आते वक्त काली ने अंदर धमाका किया, जिसमें कुछ GRC गार्ड्स की जाने तो पक्का गई होंगी। तो काली जितनी सीधी और सिंपल दिखती है वो उतनी है नहीं। लगता है फ्लैग स्मैशर्स को भी अब धीरे धीरे इसके कैरेक्टर पर डाउट होने लग गया। वॉकर और लेमार को शक है कि शायद जीमो के गायब होने के पीछे सैम और बकी का हाथ होगा, बट ये लोग बिना किसी सबूत से उन दोनों को अटका नहीं सकते, इसलिए अब ये दोनों ऑफ द रिकॉर्ड जाकर आगे के काम करेंगे। सैम ने टोरिस की मदद से जॉनी मदानी का पता लगा लिया। अनफॉर्चुनेटली मदानिया ने रीका के कैंप में अपना दम तोड़ दिया। सैम और बकी रीका जाकर जीमो की बताई लोकेशन पर आ गए। सैम जीमो के साथ अंदर चला गया, बट बकी टहलने के बहाने बाहर ही रुक गया। बकी के बाहर रुकने की असली वजह यह थी कि उसने रास्ते में पड़े वकांडियन गैजेट्स को पहचान लिया था। यप, वकांडा से आयो जीमो का पीछा करते हुए यहां तक आ गई। याद है ना, जीमो के ब्लास्ट ने इनकी किंग टिचाका की जान ली थी। और यहाँ होता है episode 3 खत्म। episode 4 की शुरुआत होती है वकांडा के एक फ्लैशबैक सीन से। 6 साल पहले एओ ने बकी का दिमाग ठीक करने में उसकी मदद की थी। बैक टू प्रेजेंट टाइम, एओ ने बकी को 8 घंटे का टाइम दिया, उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग जीमो को अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर हमें पता चला कि कार्ली के किए उस धमाके में 3 गार्ड्स की जाने गई और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। इससे पहले कि कार्ली रिवॉल्यूशन के चक्कर में और ज्यादा जाने ले ले, इन्हें उसे ढूंढना होगा। सैम के हिसाब से अगर कार्ली को ढूंढना है तो इन्हें डॉन या मदानी का फ्यूनरल अटेंड करना होगा। सारे फ्लैग स्मैशर्स मदानी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो पक्का उन्होंने मदानी के लिए सीक्रेट फ्यूनरल प्लान किया होगा।
सैम और बकी ओल्ड फैशन वे में रिफ्यूजीज से मटाने के बारे में पूछताछ करते हैं, बट इन्हें कोई कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ जीमो ने कुछ बच्चों को टर्किश डिलाइट्स का लालच देकर एक लड़की से फ्यूनरल की सारी इन्फॉर्मेशन उगलवा ली। इसने ये डिलाइट सैम और बकी को भी खिलाए थे। तब बड़े ही इंटेंशनल वे में कैमरा कुछ टाइम के लिए कैंडीज पर फोकस कर रहा था। अब या तो ये सीन इस आने वाले सीन का हिंट था, या फिर जीमो भैया ने इसमें कुछ मिलाया होगा। तो अब प्लान ये होगा कि सैम जीमो की बताई लोकेशन पर जाकर अकेला कार्ली से मिलेगा और बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। सैम फौरन शेरन को कॉल करके उसके स्पेशल सैटेलाइट की मदद से फ्लैग स्मैशर के कैंप पर नजर रखने को कहता है। डॉक्टर नेगल की मौत के बाद पावर ब्रोकर पगला गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग कार्ली और सीरम को इनके हाथ से निकलने नहीं दे सकते। तभी वहां पर वॉकर और हॉस्किंस भी आ गए। पहले तो वॉकर जीमो को अरेस्ट करके सीधा कार्ली को पकड़ने की प्लानिंग में था, बट सिर्फ जीमो को ही फ्यूनरल की लोकेशन पता है। वो ऐसे इन्हें बीच सड़क पर लोकेशन नहीं बताने वाला, बल्कि अपनी नई छोटी पार्टनर के साथ खुद इन्हें लोकेशन तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम जीमो आजादी के मजे ले सके। वॉकर को सैम का कार्ली से अकेले मिलकर बात करने वाला आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था, बट फिर हॉस्किंस ने इसे किसी तरह समझा दिया। फ्यूनरल को जाने से पहले कार्ली ने अपने साथ बचे हुए सुपर सोल्जर सीरम के वेल्स ले लिए थे। लोकेशन पर पहुंचते ही वॉकर ने जीमो को हथकड़ी लगवा दी और सैम अकेला अंदर कार्ली से बातचीत करने चला गया। फ्यूनरल के बाद सैम कार्ली को समझाता है कि उसके इरादे तो नेक हैं, बट उन्हें पूरा करने का तरीका एकदम गलत। कार्ली धीरे धीरे सैम की बातें समझने लगी थी कि तभी बेसब्री बंदा वॉकर चिल्लाते हुए अंदर आ गया। वॉकर, हॉस्किंस और बकी को वहां पर देखकर कार्ली उधर से भाग गई। जीमो ने हथकड़ी से आधा धोकर कार्ली को ढूंढ लिया और उस पर धड़ाधड़ गोलियां बरसाकर कार्ली से वो सुपर सीरम वाइल्स छीन लिए। जीमो एक एक करके सारे वाइल्स तोड़ने लग गया कि तभी वॉल्टर ने इसे रोक लिया। बस एक ही सीरम का सैंपल बच गया था, जिसे वॉकर ने चुपके से अपनी जेब में रख लिया। कार्ली ने सैम और बकी से तो पीछा छुड़ा लिया, पर पावर ब्रोकर इसे अब भी धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा था। वापस लौटने पर सैम शेरन से वॉकर पर नजर रखने को कहता है। फिर वॉकर जीमो को अरेस्ट करने के लिए चला आया, बट सैम ने यहाँ इसकी घोर बेइज्जती करके उसका मुंह बंद कर दिया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बकी के 8 घंटे पूरे होते ही जीमो को लेने वहां पर जोरा मिलाजे आ गए। हमारे नए कैप्टन अमेरिका इनसे भी भिड़ पड़े और वकानियन वॉरियर्स के हाथों बुरी तरह से पिट गए। भाई ये तो सुपर सोल्जर भी नहीं थे, क्या कैप्टन अमेरिका बनेगा रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर जीमो बाथरूम में मौजूद सीक्रेट टनल से भाग गया। इधर बकी को एक और ट्रिक पता चली कि एओ अगर चाहे तो बड़ी आसानी से उसे डिसार्म्ड कर सकती है। जीमो के भागने के बाद जोरा मिलाजे भी वहां से चले गए। वकानियन योद्धा से हारने के बाद वॉकर बड़े सदमे में चला गया, मतलब यह पक्का सुपर सोल्जर सीरम यूज करने वाला है। कार्ली को सैम की बातें सुनकर वो बड़े काम का बंदा लगा। फिर कार्ली सैम की बहन सेरा को कॉल करके उसके लिए मैसेज छोड़ती है। इसने सैम को इस सीक्रेट लोकेशन पर अकेले मिलने बुलवाया। सेरा को कॉल करके मैसेज देने का मतलब ये था कि अगर सैम नहीं आया तो कार्ली जाकर सेरा से मिलेगी अकेले में। ऑब्वियसली बकी सैम को अकेले जाने नहीं देगा, इसीलिए वो खुद भी सूट अप होकर सैम के साथ चला गया। बकी और सैम कार्ली से मिलकर आराम से बातें कर रहे थे कि तभी शेरन ने बताया कि शायद फ्लैग स्मैशर्स वॉकर को मारने का प्लान बना रहे हैं। फिर ये दोनों वहां से निकलकर सीधा वॉकर को बचाने चले गए। जब वॉकर नीचे लड़ रहा था तब फ्लैग स्मैशर्स ने हॉस्किंस को बेहोश करके बांध दिया। समय रहते यहां पर सैम और बकी भी आ गए। जल्द ही सैम समझ गया कि वॉकर ने सुपर सोल्जर सीरम यूज किया है। अपनी नई सुपर सोल्जर पावर की मदद से वॉकर बड़ी आसानी से फ्लैग स्मैशर से लड़ने लगा। होश आते ही हॉस्किंस भी कैद से आधा धोकर लड़ाई का हिस्सा बन गया, बट इसकी लड़ाई शुरू होते ही खत्म हो गई। कार्ली एक्सीडेंटली हॉस्किंस को सुपर पंच से मार देती है। देख के तो लग रहा है कि लेमार मर गया। अपने बेस्ट फ्रेंड को खोते ही वॉकर की सटक गई और फिर वो फुल ऑन मर्सीलेस मोड में जाकर फ्लैग स्मैशर्स का पीछा करता है। कार्ली और बाकी तो वहां से भाग गए, बट इनका एक पार्टनर नीको गुस्सेल वॉकर के हाथ लग गया। वॉकर ने बीच चौराहे में सबके सामने नीको को अपनी शील्ड से कुचल दिया। डैम, हाँ दीदी हमारा भी यही रिएक्शन था। आसपास खड़े लोगों ने यह सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया और यहां होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5, दूसरे देश में जाकर खुलेआम पब्लिक के सामने एक फ्लैग स्मैशर को मारने के बाद जॉन वॉकर भागकर एक अबैंडन फैक्ट्री में छुप गया। कुछ देर बाद वॉकर से शील्ड वापस लेने यहां पर सैम और बकी भी आ गए। जल्दी ये दोनों समझ गए कि वॉकर बातों से नहीं मानने वाला और फिर इन तीनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। सुपर सोल्जर सीरम वॉकर पर अपना असर दिखाने लग गया। धीरे धीरे वॉकर का गुस्सा उसके दिमाग और बॉडी दोनों पर हावी होने लगा। वॉकर सैम के विंग्स तोड़कर उसे शील्ड से मारने ही वाला था कि एन मोमेंट पर बकी ने उसे बचा लिया। फाइनली सैम और बकी ने साथ मिलकर वॉकर को हरा दिया और उसका हाथ तोड़कर उससे कैप्टन अमेरिका की शील्ड वापस ले ली। टोरेस सैम को बताता है कि वॉकर के रीसेंट हरकतों के बाद US गवर्नमेंट ने सारा मामला अपने हाथों में ले लिया
नीको की मौत के बाद कार्ली और उसके साथी अंडरग्राउंड हो गए, बट इन्हें शक है कि जरूर कार्ली कोई बड़ी प्लानिंग में लगी होगी। जीआरसी ने कार्ली की तलाश करते हुए रास्ते में आने वाले फ्लैग स्मैशर्स के सारे सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया। फ्लैग स्मैशर्स ऑफिशियली इंटरनेशनल क्रिमिनल्स घोषित किए गए, मतलब अब जो भी इनकी मदद करेगा उसे जीआरसी भी एज ए क्रिमिनल ही देखेगी। सैम ने स्टीव की शील्ड तो अपने पास रख ली, बट फाल्कन के वो टूटे हुए विंग्स टोरेस को गिफ्ट कर दिए। अब तक तो आप सारे ही जान गए होंगे कि कॉमिक्स में सैम के कैप्टन अमेरिका बनने के बाद टोरेस नया फाल्कन बना था। जॉन वॉकर की सुनवाई के दौरान गवर्नमेंट ने इसे कैप्टन अमेरिका का होता तो छीन ही लिया, पर साथ ही साथ इसे मिलने वाले मिलिट्री और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी वापस ले लिए। ये सुनते ही वॉकर गुस्से में आई एम कैप्टन अमेरिका बोलकर वहां से चला गया। वॉकर को इतनी परेशानी में देखकर उसकी बीवी ओलिविया उसे समझाती है कि इसे धीरे धीरे सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए, पहले जाकर हॉस्किन के पेरेंट्स से मिले, बाकी प्रॉब्लम्स बाद में हैंडल करेंगे। और यही आता है एपिसोड 5 का बिगेस्ट सरप्राइज कैमियो, ऐसा कैरेक्टर जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। भाई मैंने तो वांडाविजन के बाद ही अपनी सीख हासिल कर ली थी, पता था कोई बड़ा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस लेवल का कैरेक्टर नहीं देखने मिलेगा। वेल कैरेक्टर नहीं बट एक्टर को देखकर मैं काफी एक्साइटेड हूँ। सोचो अगर पावर ब्रोकर न्यूमन निकले तो। What took you so long? साइनफील्ड देखा हो तभी समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एनीवेज जूलिया लुई ड्रेफस ऑफिशियली मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा बन गई। जूलिया इस शो में वैलेंटिना एलेग्रा डी फोंटेन का कैरेक्टर प्ले कर रही है। Actually, it's Contessa Valentina Allegra de Fontaine. I know it's hard. कॉमिक्स में वैलेंटिना शील, हाइड्रा और लिवाइथन जैसे एजेंसीज के लिए काम कर चुकी है। एक जमाने में इसका निक फ्यूरी के साथ भी चक्कर चला था। वैलेंटिना यहाँ वॉकर को अपने टीम में शामिल करने आई थी। वैलेंटिना के हिसाब से वॉकर ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था। अगर वॉकर को आगे बढ़ना है तो ये उसके बड़े काम आ सकती है। बस इतना बोलकर वैलेंटिना इन्हें ब्लैंक विजिटिंग कार्ड थमाकर चली गई। जरूरत पड़ने पर वैलेंटिना खुद इसे कॉल करेगी, इंटरेस्टेड हो तो कॉल उठा लेना। जीआरसी द्वारा क्रिमिनल्स घोषित किए जाने के बाद कार्ली की अब पूरी तरह से सटक गई। ये अब अपने ग्रुप के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग में लग गई। ढोरा मिला जिसे बचकर जीमो सीधा सुकोया चला गया था इस मेमोरियल को देखने। बाकी अच्छे से जानता था कि जीमो इसे यहीं मिलेगा। फिर इन दोनों के बीच कार्ली मोगिंदा को लेकर डीप कन्वर्सेशन हुआ। जीमो के हिसाब से अगर कार्ली और फ्लैग स्मैशर्स की मुहिम को रोकना है तो कार्ली को मरना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जीमो को लगा कि शायद बकी यहाँ उसे मारने आया था, बट ना, बकी तो बस इसे थोड़ा डरा कर डोरा मिलाजे को दिया अपना वादा पूरा करने आया था। कुछ देर बाद डोरा मिलाजे जीमो को पकड़कर राफ्ट लेकर गए। वकांडा के बजाय राफ्ट, हाँ थोड़ा अजीब डिसीजन नहीं था ये। जाने से पहले बकी ने एओ से एक आखिरी रिक्वेस्ट की, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सैम वो शील्ड लेकर सीधा आइजिया ब्रैडली से मिलने चला गया ये जानने की आखिर आइजिया के साथ हुआ क्या था। आइजिया से बताता है कि गवर्नमेंट ने इसके जैसे काफी ब्लैक सोल्जर्स को सीरम देकर इन पर रिसर्च की थी। एक एक करके सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स मरने लगे। आईजीए ने ऑफिसर्स के खिलाफ जाकर कुछ सोल्जर्स की जान बचाने की कोशिश भी की थी, बट अंत में वो अकेला ही बच गया। उसके बाद 30 साल तक गवर्नमेंट ने आईजीए को जेल में रखकर इसकी बॉडी पर रिसर्च की कि आखिर इस पर वो सीरम इतने अच्छे से कैसे काम कर रहा है। जब आईजीए जेल में था तब उसकी बीवी गुजर गई। आईजीए की बीवी उसे लेटर्स लिखा करती थी, बट अथॉरिटीज ने उसका लिखा एक भी लेटर आईजीए को नहीं पहुंचाया। इवेंचुअली एक नर्स को आईजीए की कंडीशन पर तरस आ गया और उसने इसकी झूठी डेथ रिपोर्ट बनाकर इसे जेल से बाहर निकाल दिया। तभी इसे उन लेटर्स के बारे में पता चला और इसीलिए तब से आइजिया अंडरग्राउंड जिंदगी जी रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि आइजिया तो टेस्ट के दौरान मारा गया। सैम ये स्टोरी पब्लिक करके आइजिया की मदद करना चाहता था, बट आइजिया को डर है कि जिन लोगों ने इसकी सारी आइडेंटिटी मिटा दी उन्हें सच्चाई का पता चलते ही वो इसे मार देंगे। यहाँ आइजिया सैम को एडवाइस देता है कि अमेरिकन कभी भी किसी ब्लैक कैप्टन अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और अगर सैम के पास थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसे अपने दिमाग से कैप्टन अमेरिका बनने का ख्याल निकाल देना चाहिए। सैम यहाँ से निराश होकर सीधा अपनी बहन से मिलने चला गया। सैम और सेरा कुछ पुराने फैमिली फ्रेंड के साथ मिलकर इनके पेरेंट्स की बोट को रिपेयर करने लग गए ताकि इसे चलाने लायक बनाकर बेचा जा सके। तभी यहाँ पर एओ से स्पेशल डिलीवरी लेकर बकी भी आ गया। ये वही एहसान है जो बकी ने एओ से मांगा था। अब इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है सैम के नए विंग्स, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। वॉकर हॉस्किंस की फैमिली से मिलकर उन्हें झूठा दिलासा देता है कि इसने उनके बेटे के कातिल को मार दिया। उधर मैरबीपुर में शेरन बैटरोक को कॉल करके उसे नया जॉब ऑफर करती है। इसने बैटरोक का नाम नहीं लिया था बट आवाज से तो वह बंदा बैटरोक ही लगा। बोर्ड की मरम्मत का काम सैरा के हाथ में छोड़कर सैम और बकी शील्ड थ्रोइंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ बातचीत के दौरान ये दोनों पार्टनर्स या कॉलीग्स फाइनली एक दूसरे के दोस्त बनने लगे। सैम बकी को समझाता है कि उसे विंटर सोल्जर की डार्क मेमोरीज मिटाने क्लोजर हासिल करना चाहिए, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में बकी पक्का नाकेजीमा को सारा सच बताकर उससे माफी मांग लेगा। जाने से पहले बकी ने सैम को बताया कि कार्ली का पता चलते ही उसे कॉल कर देना, वह फौरन इसकी मदद करने के लिए हाजिर हो जाएगा। बोट की मरम्मत पूरी होते ही सेरा डिसाइड करती है कि उन्हें अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी को बेचना नहीं चाहिए। फिर सैम डेली शील्ड के साथ प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने लग गया। जीआरसी से बदला लेने के लिए कार्ली अब बाटोक जैसे क्रिमिनल्स के साथ भी काम करने के लिए तैयार है। बाटोक शाम से बदला ले लेगा और इससे मिले वेपन्स की मदद से फ्लैग स्मैशर्स जीआरसी से अपना बदला लेंगे।
ये भाई साहब को फाइनली रियलाइज हो गया कि शायद कार्ली अब पक्के टेररिस्ट जैसे सोचने लगी है। इतना बोलकर कार्ली ने सारे यूरोप में फ्लैग स्मैशर्स का प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जीआरसी के मेंबर्स के बीच नए पैच एक्ट को लेकर डिबेट चली थी, जिसके चलते ये लोग सारे रिफ्यूजीज को वापस अपने अपने देश भेज देंगे। टॉरेस से मिली इन्फॉर्मेशन से सैम फौरन समझ गया कि फ्लैग स्मैशर्स न्यूयॉर्क के जीआरसी बेस पर हमला करेंगे, क्योंकि फाइनल वोटिंग एनवाईसी में रखी गई थी। कुछ फ्लैग स्मैशर्स न्यूयॉर्क के जीआरसी बेस पर हमला करके वहां चली डिबेट को रोक लेते हैं। एंड सीन में हमने देखा कि वॉकर उसे मिले मेडल्स को पिघला कर अपने लिए कैप्टन अमेरिका जैसी काम चलाओ शील्ड बना रहा था। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 द सीजन फिनाले। फ्लैग स्मैशर्स जीआरसी में स्मोक ग्रेनेड्स फेंक कर सारे लोगों को वहां से भागने में मजबूर करते हैं। सैम ने तो पिछले एपिसोड में ही इनके प्लान को भांप लिया था। फिर हमले की खबर मिलते ही बकी भी यहां पर आ पहुंचा। अंदर जाते वक्त बकी की मुलाकात शेरन कार्टर से हुई, जो अपेरेंटली यहां अपनी जान दांव पर लगाकर इनकी मदद करने आई थी। कुछ देर बाद सैम फुल ऑन न्यू कैप्टन अमेरिका आउटफिट और विंग्स में जीआरसी के बिल्डिंग में घुस गया। अंदर आते ही इसका सामना बैटरॉक से हुआ। सैम समझ गया था कि कार्ली स्मोक बॉम्ब्स के जरिए बिल्डिंग में मौजूद सेनेटर्स को बाहर निकालकर किडनैप करने की प्लानिंग में थी। बैटरॉक से लड़ने से पहले इसने फौरन एक खबर बकी और शेरन को दे दी। बकी एक फ्लैग स्मैशर का पीछा करते हुए उन्हें रोकने जा रहा था कि तभी कार्ली ने फोन लगाकर इसे डिस्ट्रैक्ट किया। कार्ली का डिस्ट्रैक्शन काम कर गया, बकी बुरी तरह से फंस गया और पुलिस सेनेटर्स को आर्मर्ड वैन्स में डालकर वहां से ले गए। पुलिस ये नहीं जानती थी कि एक फ्लैग स्मैशर्स ने वैन के दरवाजे को बाहर से हाईटेक लॉक लगा दिया है। बकी एक बाइक हाईजैक करके उन वैन्स के पीछे चला गया और शेरन ने पीछे रुककर मर्क्यूरी वेपर के जरिए उस लॉक लगाने वाले फ्लैग स्मैशर को मार दिया। डिएगो नाम का एक फ्लैग स्मैशर कुछ सेनेटर्स को हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले गया, मतलब सैम के पास अब बैटरॉक से लड़ने का टाइम नहीं। फिर सैम लड़ाई को अधूरा छोड़कर डिएगो के पीछे चला गया। यहां सैम ने नए रेडविंग के जरिए पता लगाया कि अंदर बैठे एक सेनेटर हेलीकॉप्टर उड़ाना जानती है। सैम ने फौरन इसे कॉल करके अपने प्लान के बारे में बताया और 5 की गिनती पर निहायत ही बैडएस अंदाज में इसने डिएगो को हेलीकॉप्टर के बाहर फेंक दिया। समय रहते सेनेटर साहिबा ने भी हेलीकॉप्टर के कंट्रोल को संभाल लिया। कार्ली को अब लगने लगा है कि शायद इनका प्लान काम नहीं करने वाला। फिर इसने अपने साथी को बताया कि अगर इनका प्लान फेल होने लग जाए तो सारे हॉस्टेजेस को मार देना। थोड़ा हिचकिचाने के बाद सारे कार्ली के इस प्लान को भी मान गए। डैम, फ्लैग स्मैशर्स ने रास्ते में रोड ब्लॉक्स लगाकर पुलिस वैन्स को हाईजैक कर लिया, बट एन मोमेंट पर वहां बकी आ गया। बकी का ध्यान भटकाने कार्ली ने सेनेटर से भरी एक वैन को आग लगा दी और फिर बकी ने सेनेटर्स को सिंगल हैंडेडली बचा लिया। जान बचाने के बाद सेनेटर्स का थैंक यू सुनकर बकी को काफी अच्छा लगा। फाइनली ये अपने डार्क फेस से बाहर आ रहा है। इससे पहले कि कार्ली अपने साथियों के साथ वहां से निकल ले, इधर अपनी 5 मिनट्स क्राफ्ट वाली शील्ड लेकर जॉन वॉकर आ गया। इनके बीच चली लड़ाई में फ्लैग स्मैशर्स वॉकर पर भारी पड़ने लगे, बट समय रहते बकी ने इसे बचा लिया और फटाक से लात खाकर खुद ब्रिज के नीचे गिर गया। प्लान को अपनी आंखों के सामने फेल होते देख कार्ली ने सेनेटर से भरी एक वैन को नीचे गिराने की कोशिश की, बट वो वैन आधे में ही लटक गई। वॉकर के पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो वैन को ऊपर खींच के सेनेटर्स की जान बचा लो या फिर उन्हें मरने के लिए छोड़कर कार्ली से अपना बदला ले लो। यहां फाइनली वॉकर के अंदर का भला इंसान जाग गया और वो कार्ली को छोड़कर सेनेटर्स को बचाने निकल पड़ा। फिर कुछ फ्लैग स्मैशर्स ने वैन के साथ इसे भी नीचे ढकेल दिया, बट समय रहते कैप्टन अमेरिका ने आकर सारी पब्लिक के सामने एकदम हीरोइक अंदाज में सेनेटर्स को बचा लिया। इससे पहले कि सैम और बकी फ्लैग स्मैशर्स को पकड़ ले, बैटरॉक ने स्मोक ग्रेनेड्स फेंक कर उन्हें वहां से भगा दिया। फिर सैम, बकी और वॉकर साथ मिलकर इन्हें ढूंढने निकल पड़े। कुछ देर बाद अपने हीट विजन के जरिए सैम को पता चला कि फ्लैग स्मैशर्स 2 हिस्सों में बट गए। एक लीड को सैम फॉलो करेगा और दूसरे के पीछे वॉकर और बकी जाएंगे। शेरन कार्ली से मिलकर फिर से उसे अपनी टीम ज्वाइन करने को कहती है। यस, शेरन कार्टर इज द पावर ब्रोकर। काफी माइंड ब्लोइंग रिवील था भाई ये। तो शेरन कार्टर अपने साथ हुई नाइंसाफी के कारण दुनिया से बदला लेने मेड्रीपुर जाकर पावर ब्रोकर बन गई। एनीवेज, जैसे ही बैटरॉक को पता चला कि शेरन ही पावर ब्रोकर है, वो उसकी आइडेंटिटी रिवील करने की धमकी देकर उससे 4 गुना ज्यादा पैसा मांगता है। वो क्या है ना, शेरन को ब्लैकमेल होना जरा भी पसंद नहीं, इसलिए उसने सीधा बैटरॉक को गोली मार दी। और यहां पैनिक होकर कार्ली ने शेरन को गोली मार दी। शेरन तो बस जख्मी हो गई, बट बैटरॉक मर गया। गोलियों की आवाज सुनकर यहां पर सैम भी आ गया। सैम ने बिना कोई अटैक किए कार्ली को बहुत समझाने की कोशिश की, बट वो बिल्कुल भी समझने के मूड में नहीं थी। कार्ली से लगातार पिटने के बावजूद भी सैम ने एक बार भी उस पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि वो उसे जेन्युइनली बातों से समझाना चाहता था। इवन कार्ली ने इस पर बंदूक तक तान दी, बट सैम अपने फैसले पर अड़ा रहा, वो हमला नहीं करने वाला। यहीं पर मौके का फायदा उठाकर शेरन ने कार्ली को मार दिया। कार्ली ने अपने आखिरी मोमेंट पर सैम से माफी मांगकर उसकी बाहों में अपना दम तोड़ दिया। बकी और वॉकर ने फ्लैग स्मैशर्स की ऐप की मदद से सबको एक जगह बुलाकर पकड़ लिया। वाह, फिर सैम कार्ली की बॉडी को लेकर सीधा जीआरसी सेनेटर्स के पास गया।
यहां सैम ने निहायत ही पावरफुल भाषण देकर इन्हें समझाया कि जीआरसी का पैच एक्ट बिल्कुल गलत है, ये लाखों रिफ्यूजियोज को जबरदस्ती वापस उनके देश नहीं भेज सकते। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो कार्ली जैसे और भी ज्यादा रिबेलियंस पैदा होंगे। जीआरसी के सेनेटर्स ऑफिस के अंदर एसी हॉल्स में बैठकर रिफ्यूजियोज का हाल नहीं जान सकते। अगर कोई फैसला लेना ही है तो पहले ग्राउंड लेवल पर जाकर रियल कंडीशंस देखकर फैसला लेना। सैम तो ये भी जानता है कि बहुत सारे लोग ब्लैक कैप्टन अमेरिका को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, बट वो फिर भी अपने देश की रक्षा करने की पूरी कोशिश करेगा। जिसको जो समझना है समझ लो, ही इज द न्यू कैप्टन अमेरिका। सैम की इस पावरफुल स्पीच को टीवी पर सारी दुनिया देख रही थी, इंक्लूडिंग टोरेस, सेरा, आइजेया और उसका पोता ईलाई। जीआरसी इसकी बात समझ गए और रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अथॉरिटीज बचे कुछ फ्लैग्स मैशर्स को वैन में बिठाकर राफ्ट में कैद करने लेकर जा रहे थे, बट तभी किसी ने उस वैन को बम से उड़ा दिया। फिर हमने देखा कि वैन में वो बॉम्ब जीमो के बटलर ने लगाया था। राफ्ट में बैठा जीमो उस न्यूज को पढ़कर काफी खुश था। याद है ना इसने क्या कहा था, फ्लैग्स मैशर्स को रोकने का बस एक ही तरीका है, उन्हें सीधा मार दो। किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो बॉम्बिंग किसने की होगी, बट वैलेंटीना न्यूज देखकर फौरन समझ गई कि इसके पीछे तो जरूर जीमो का ही हाथ होगा। वैलेंटीना ने वॉकर को नया ब्लैक एंड रेड सूट देकर उसे यूएस एजेंट का नाम दे दिया। वॉकर अब खुशी खुशी यूएस एजेंट बनकर वैल के लिए काम करेगा। Don't call me that. Copy. Thank you. बकी ने नाकाजीमा से मिलकर उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि इसी ने एक मिशन के दौरान नाकाजीमा के बेटे को मारा था। इसने अपने सारी बकेट लिस्ट कंप्लीट करके डॉक्टर रेनन को भी फाइनल अपडेट दे दिया। सैम आइजेया और इलाई को साथ लेकर स्मिथसोनियन म्यूजियम चला गया, जहां इसने आइजेया ब्रैडली की हिस्ट्री को जिंदा रखने एक सेपरेट सेक्शन बनाया था। अब आइजेया की कहानी कोई नहीं भूल सकता, ये देखकर आइजेया की आंखें भर आई। सारे काम पूरे करके बकी सैम के घर हाउस पार्टी अटेंड करने चला गया। हैप्पी एंडिंग। एंड सीन में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने शेरन कार्टर के सारे गुनाह माफ करके उसे उसका पुराना जॉब वापस दे दिया। बाहर आकर शेरन अपने कॉन्टैक्ट को कॉल करके बताती है कि यार सुपर सोल्जर सीरम नहीं हुआ तो क्या हुआ। अब इसके पास यूएस गवर्नमेंट के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट्स का फुल एक्सेस है। धड़ाधड़ देश को बेचेगी अब ये। और यहां होता है द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन।